जय श्री राम। आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। श्री राम जी के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। और सभी लोग दीपावली मनाएं, खूब इंजॉय करें। यहाँ पर तो खूब ही धूम धमाल चल रहा है हमारे ऋषिकेश में, और बहुत ही मतलब दिवाली जैसा माहौल हो रखा है। दिवाली जैसा माहौल क्या, दिवाली ही समझो कल के लिए, क्योंकि हम एक दिन पहले मार्केट में आए थे कुछ काम, तो देखा तो बहुत ही अच्छा लग रहा था तो मैंने सूट कर लिया। मार्केट पूरा ऐसा सजा हुआ है जैसे दीपावली में सजा हुआ रहता है, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। बलून वगैरह पूरा डेकोरेट हो रखा है मार्केट में। यहाँ से तो ताला लगा, यहाँ से ताला लगा हुआ, यहाँ से बंद हो रखा है। आज वो लगा हुआ है, कितना मजेदार हो रहा है ना, बहुत ही मजेदार। वाओ, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे मैं तो जा भी नहीं रहा। देखिए बहुत ही ज्यादा प्यारा बना हुआ है। जय श्री राम जी के दर्शन करो। आप जरूर यहाँ पर आए और अपने हाथ से भी नारियल 51 रुपए और हमारे भैया कल के प्रसाद और भंडारे के लिए। कल 12:30 बजे के बाद भंडारा चालू होगा। मैया जितने बार आओ, जितने बार दर्शन करो, कमी कम में। ये श्री राम, मतलब कितनी पॉजिटिव आ रही ना यहाँ पे। जगह जगह पे झांकियां निकल रही हैं, श्री राम सीता मैया लक्ष्मण जी बने हुए हैं, और यहाँ पे लोग खूब मतलब झंडा लहराते हुए एंजॉय कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं श्री राम जी के आगमन में। बस मैं तो यूँ वही सोच रही हूँ, जब ऋषिकेश इतना सुंदर सजा हुआ था, अयोध्या तो बोलना ही क्या है, अयोध्या नगरी तो कैसे होगी दिखने में, हम तो अभी देख भी नहीं सकते। बहुत खूबसूरत लग रहा है। दिवाली की डेकोरेशन नहीं होती जैसे, ये देखिए डेकोरेशन यहाँ से शुरू हो गई है। पूरी डेकोरेशन वहाँ तक हो रखी है। दोस्तों अब हम आ गए घर। घर हमने कल के लिए तैयारी करने के लिए दिए लाए हैं, जो मैं रजाई में घुस चुकी हूँ, बहुत ठंड लग रही, जो मैं दिखा नहीं सकती, इसलिए सोचा मैंने यहाँ बैठे बैठे ब्लॉग की एंडिंग करूँ। और आज का ब्लॉग आप लोगों को जैसे भी लगा होगा तो लाइक ज़रूर कर देना, शेयर करो ना करो, कल तो मज़ा आएगा, देखते हैं। हाँ मैं गई थी मायके, मायके से घर भी आ गई हूँ, पर अकेला आई हूँ, हजबे लेने नहीं गए थे। अब इतनी ठंड लग रही थी कि ब्लॉग करने की हिम्मत भी नहीं, बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है हमारे मायके की तरफ, बहुत ही ज़्यादा कोहरा ऐसा छा रहा कि इंसान दिख ही नहीं रहे बिल्कुल। कल के छोटा सा ब्लॉग बना रखा है मैंने, वो मैं डालूंगी बाद में। अयोध्या में क्या है कल सुना? कल यही, इनको यही नहीं पता कि अयोध्या में क्या है, कौन सी दुनिया में रहते हैं, हिंदू हो कि भी नहीं हो, अयोध्या में क्या है, बच्चा बच्चा जानता है अयोध्या में क्या है, उसी का मैं ब्लॉग डाल रही हूँ। अब मेरे ब्लॉग के पूरा सत्यानाश मार रहे, बोल रहे अयोध्या में क्या ऐसी है। चलो फ्रेंड्स मिलते हैं, जय श्री राम, बाय बाय, राधे राधे।